महेंद्रगढ़ के गांव नावा में संस्कृत भारतीय हरियाणा प्रांत द्वारा भाषा प्रबोधन वर्ग का प्रारंभ रामनिवास मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन एवं दीप मंत्र के साथ किया गया। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि जिला उपायुक्त जयकृष्ण आभीर ने अपने उद्बोधन में बताया कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भारती संस्कृत को जन जन तक पहुँचाने का पुनीत कार्य कर रही है। संस्कृत हमारी सभी विद्याओं का मूलधार है। संस्कृत हमारे सभी प्रकार के अभ्युदय का कारक है जो मेरे हृदय में है। आज संस्कृत भारती का जो ये प्रोग्राम रामनिवास मेमोरियल कॉलेज में हुआ है, यहाँ मेरा पर्पस ये था कि संस्कृत भाषा के प्रति लोगों में कितना लगाव है और हमारे जो साथी विद्यार्थियों को बताने आएंगे किस तरह से इतनी जल्दी जो है ना वो इस प्रोग्राम को सिखाएंगे, ये देखना था। और साथ ही क्योंकि नावा हमारे सतनाली यानी कि नारनौल हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर पड़ता है, मैं तो सड़क के साथ साथ लोगों का सड़कों की स्थिति साथ में इस क्षेत्र में अगर एजुकेशन का एक अच्छा संस्थान है तो वो किस तरह से चल रहा है, लोगों से बातचीत करके इन चीज़ों की जानकारी होने से हम बेटर ढंग से अपने जिले को संभाल सकते हैं। और क्योंकि संस्कृत जो है ना उसका ज्ञान बहुत बड़ा वैज्ञानिक तरीका, ये दूसरी बात है कि अभी हम उसको नहीं खोज पाए, तो कम से कम बच्चों में उसके प्रति कितनी रुचि है। और हम अपने साथियों को जो भाषा को अपने हिसाब से योगदान कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि संस्कृत हमारी हिंदी भाषा की हमारी नानी है, कि हमारी भाषा हिंदी है, लेकिन कल जो है ना संस्कृत में ही सब कुछ होता था बड़े बड़े विद्वानों ने, और यहाँ की भगवान की भाषा भी जो है ना वो संस्कृत थी। हमारी गीता है, भगवान कृष्ण स्वयं जो है ना कहते हैं कि भाई हाँ मैं भगवान हूँ, और ये चीज़ें जो चीज़ आती है तो इसका मतलब है ये ज्ञान जो है ना जो हमें मिला है तो भगवान के मुख से श्रीमुख से मिला है, और ये ज्ञान अगर हम छोड़ देंगे तो फिर कहीं के भी ना रहेंगे। इसलिए परंपराओं में और अपनी भाषा की जो रिचनेस है उसको जानने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। हरियाणा पूरे प्रांत का संस्कृत भारती का ये 9 दिन का कैंप नामा में योगेश शास्त्री और उनकी पुत्र वधु बेटी पूनम सरपंच इनके प्रांगण में पूरे हरियाणा से ये शिविर चल रहा है। एक पुण्य का काम देश में, आज पूरी दुनिया में संस्कृत देववाणी है। संस्कृत कुछ लोग कह देते हैं कि डेड लैंग्वेज है, ये प्राचीन की है, परंतु आज 245 छोटे बड़े देश का दूतावास दिल्ली में है। सब दूतावास के बाहर एक बोर्ड पर एक उनका चार्टर लिखा हुआ है, वी वांट संस्कृत स्कॉलर्स हु कैन ट्रांसलेट एंशिएंट स्क्रिप्ट इन हिंदी। तो ये एक पुण्य का काम है, भारत का जो इतिहास है, ज्ञान का जो इतिहास है वो संस्कृत में है, वेद जो है वो संस्कृत में है, और ये बहुत पुण्य का काम, और पूरे हरियाणा के संस्कृत के सीखने वाले बोलने वाले, अभी आपने नरेंद्र जी का भाषण सुना होगा, यहाँ जो मंच संचालन कर रहे हैं प्रमोद शास्त्री का सुना होगा, सब लोग संस्कृत में अपनी बात कहते हैं। मैं इस अवसर पर जो पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता आए हैं, जो संस्कृत के विद्वान यहाँ पर आए हैं, मैं यहाँ का क्योंकि परमानेंट चौकीदार हूँ तो मैं उन सब का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।